सरकार किसी भी कीमत पर भारत में विदेशी सैलानियों की तादाद भी बढ़ाना चाहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कई और देशों के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने वाली है। खबर मिले कि वीजा ऑन अराइवल देने का फैसला अपने आखिरी चरण में है, जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। सरकार कई अन्य देशों के नागरिकों की भारत यात्रा और आसान करने जा रही है। अब इन देशों के नागरिकों को वीजा लेकर भारत आने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। सरकार अब भारत आने वाले कई विदेशी नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल स्कीम का विस्तार करने जा रही है। भारत आने पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई एयरपोर्ट पर ही वीजा की सुविधा मिल सकेगी। इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यूरोप में है, CIS कंट्रीज हैं जहाँ ऐसा कोई सुरक्षा संबंधी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, उन कंट्रीज में भी वीजा ऑन अराइवल दिया जाए, इसके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिले। पर्यटन मंत्रालय की लगातार मांग के बाद विदेश मंत्रालय ने इस पर गौर करते हुए कई देशों को वीजा ऑन अराइवल की आखिरी सूची में डाल दिया है। जल्द ही इस पर मोहर लग सकती है। जिन देशों को सरकार वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देगी उनमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, स्वीडन, मैक्सिको और ब्राजील है। ये अगर वाकई ही टूरिज्म कराना चाहते हैं और गरीबी हटाना चाहते हैं और रोजगार बढ़ाना चाहते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री से बड़ी कोई इंडस्ट्री है नहीं जिसमें रोजगार मिले। डेफिनेटली अट्रैक्ट होम एंड वी आर ग्रोइंग बट नॉट एट द रिक्वायर्ड रेट, नॉट एट द डिजायर्ड रेट, वी शुड मेक ग्रेटर एफर्ट्स। फिलहाल 11 देशों के नागरिकों को भारत में और भारतीय नागरिकों को 37 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिली हुई है। सरकार की चिंता यह है कि बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बावजूद भारत दुनिया की बात तो दूर, एशिया में ही चीन, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों से पिछड़ा हुआ है। अक्षय सिंह, जी बिजनेस, दिल्ली।